बात थी दिल में वो कर बैठी बस सिंपल। नहीं लड़कियां भी बोलती होंगी ख्वाहिश पूरी हुई, छोटी सी वीडियो बन गई आपकी, ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है फिर आप खत्म कर देते, तो वो चीज थी। आपने डायरेक्ट उन्हीं से जाके सीखना शुरू कर दिया। कराची की जो सड़कें हैं, जब आप यहाँ पे कोई लड़की अगर बाइक चला ले तो वो पाकिस्तान में कहीं भी चला सकती है, यू नो। जो चीज एग्जिस्ट ना करे उसे बुरा बोलने में क्या जाता है, कराची में सड़कें ही नहीं है। आपको क्या बहुत मिला कुछ हुआ था? क्या मिला? नहीं, ये मिलने वाली बात को छोड़ दें। मैंने एक बात आपसे कही थी, कर दो कर दे कर दो तो मुझे मेरे चैनल पे जलील करना जरूरी है। आपने ये पूछा था, जिस तरह आपने ये सवाल उठाया तो आपने मुझसे यही बात की थी ना। आपने भी हमारी बात की थी कि हम तो अब बैठ के फैमिली के साथ बैठ के टेलीविजन भी नहीं देख सकते, ये हालात हो रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ है ही नहीं। मैं आउट ऑफ सिटी रहता हूँ या आउट ऑफ कंट्री हूँ या मैं बाइक नहीं चला सकता, मजबूरी है, तो मैं अपनी बेटियों को सिखाना चाहती हूँ। मुझे खुशी होती है उस वक्त इस बात पे, एक 600 cc 1000 cc की बाइक लेके लोग जो हैं टूटी हुई सड़कों पर बाइक चला रहे हैं बेचारे। ये आपने एक ऐसा सवाल कर दिया, मेरे पास इस तरह के एड्स के बहुत ऑफर हैं। देखिए हेलमेट में आप देखा जाए तो 50-60 कैटेगरीज हैं सिर्फ, तो वो फिर गाइड करना पड़ता है हमारे जो बाइकर्स साथ हैं। रिलीजियसली मेरी बात हजरा से बहस हुई है और उन्होंने मुझे ये कहा भी है, वो उस पर मुझे कन्विंस नहीं कर सकते एक लड़की होते हुए एक बिजनेस को चलाना। आप मुझसे कहलवाना चाह रहे थे, मैंने कह दिया। हाँ। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना जब आपको मुश्किल और टफ टाइम मिलता है तो उसके बाद ही आप स्ट्रांग बनते हैं। जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं तो रेडी हूँ और अवेलेबल। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अकीक भाई टोटली चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा।